नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ चलती ट्रेन में हुई मौत, एम्बुलेंस के इंतजार में स्टेशन पर पड़ी रही लाश, कोरोना का डर दिखा नहीं लगाया किसी ने लाश को हाथ। कोरोना महामारी में रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन में सांस की बीमारी से 56 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई तो उसकी लाश सहित पूरे परिवार को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लिंक एक्सप्रेस ट्रेन से उतार दिया गया, जहां मृतक का बेटा अधिकारियों से अपने पिता को डॉक्टर के पास इलाज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने कोरोना जांच व कागज कार्रवाई में उलझे रहे तो वहीं उसकी लाश कई घंटे तक स्टेशन पर ही पड़ी रही। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पास के एक गांव का रहने वाला 56 वर्षीय शिवलाल अपने परिवार सहित देहरादून में रहता था, जहां कल शिवलाल अपने बेटे सुभाष सहित परिवार के साथ देहरादून से लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर फतेहपुर के पास अपने गांव के लिए जा रहे थे, जहां चंदौसी रेलवे स्टेशन के पास पहुँचते ही सांस की बीमारी के चलते शिवलाल की ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके कुछ ही देर बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर चलती ट्रेन में ही शिवलाल की मौत हो गई। जहां अलीगढ़ में देर रात जीआरपी पुलिस के द्वारा शिवलाल के शव को लिंक एक्सप्रेस ट्रेन से उतार दिया गया। मृतक का बेटा व पुत्र वधु भी उसके साथ थे। बेटा काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर एम्बुलेंस की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाले कोरोना जांच व कागजी कार्रवाई में उलझे रहे। बेटे का आरोप था कि किसी ने भी उनके पिता को हाथ लगा तक नहीं देखा। दरअसल देहरादून से फतेहपुर के लिए सुभाष 56 वर्षीय अपने पिता शिवलाल अपनी पत्नी और भाई राजोल के साथ लिंक एक्सप्रेस ट्रेन से सोमवार 10 मई की दोपहर को चले थे। सुभाष के बताए अनुसार पिता समेत सभी लोगों ने ट्रेन में खाना पीना खाया और ट्रेन के अंदर अपनी अपनी सीट पर जाकर लेट गए, जिसके बाद सुभाष ने अपने पिता शिवपाल को चंदौसी के करीब जगाया तो वह जागे नहीं, क्योंकि तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ट्रेन में हुई शिवलाल की मौत की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी गई। मृतक के बेटे सुभाष ने कहा कि लिंक एक्सप्रेस ट्रेन जब अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उस वक्त रात के करीब 10 बजे थे। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मृतक पिता शिवलाल के शव को परिवार के सहित लोगों को ट्रेन से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही उतार लिया गया। सुभाष का कहना है कि उसके पिता को सांस की बीमारी थी और उसने पिता के शव के लिए स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से एम्बुलेंस मंगवाने को घंटों गुहार लगाता रहा, लेकिन देर रात उसके पिता की लाश कई घंटे तक रेलवे स्टेशन पर ही पड़ी रही। किसी ने उसको एम्बुलेंस तक की व्यवस्था मुहैया नहीं कराई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हवाला दिया कि कोरोना काल चल रहा है, पहले टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही अन्य व्यवस्थाएं होगी। जबकि 10 बजे से रात 1 बजे तक किसी डॉक्टर ने सुभाष के पिता की जांच नहीं की। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। डेड बॉडी को पिछले 1.5 घंटे से रेलवे स्टेशन में पड़ी हुई है, अभी तक एम्बुलेंस या कोई सुविधा को मुहैया नहीं कराई। 1.5 घंटे से ये डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई है, अभी तक से एम्बुलेंस या कोई स्वास्थ्य सुविधा अब तक क्यों नहीं मुहैया हुई? सारी ईमानदार की जा रही है, स्टेशन मास्टर दे रहे हैं, उनके द्वारा एम्बुलेंस बुलाया गया है। 1.5 घंटे से अभी तक एम्बुलेंस तक एक आदमी के लिए, अब इसे मृतक घोषित कौन करेगा? भाई डॉक्टर आएगा तभी तो करेगा। डॉक्टर आ गया, कर गया ना। कहाँ है डॉक्टर? परिजनों का कहना है कि अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। डॉक्टर आए तो थे, केवल मात्र दो गोली दिए थे, दो गोली दे के वो चले गए। दोबारा आए थे वो भी डॉक्टर थे, कोई उसे हाथ ही नहीं लगाया, चेकिंग नहीं किया, उनकी नाक भी कोई नहीं पकड़ा। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? एक डेड बॉडी पिछले 1.5 घंटे से रेलवे स्टेशन पड़ी हुई, उसे एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं की गई। ये सारी व्यवस्थाएं मेरे यहाँ कार्रवाई सूचना आते ही हो रही है, आप ये जाके स्टेशन वाले डॉक्टर आए थे मुझे जान। क्या कार्रवाई 1.5 घंटे बाद एक पेशेंट के साथ होगी? हाँ, और संक्रमण कोरोना का चल रहा है, इसमें सारी एहतियात बरतते हुए सारी कार्रवाई संपूर्ण की जा रही है। तो अभी तक इस व्यक्ति को देखने के लिए निकल के भेजा गया, अभी मेडिकल टीम आ रही है, कोरोना टेस्ट करेगी, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी। इसके नियम नहीं, इसे मृतक घोषित करेगा कौन? वो तो कर चुका, कौन डॉक्टर लिख के दे चुका कागजों में या ऐसे ही लिखित में दे चुका। कौन डॉक्टर आया? मास्टर ऑफिस में जाइए, वहाँ संपर्क करिए, वहाँ लिखित उसने प्रमाण पत्र दे दिया।
अगर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी तो अभी तक इसे मोर्चरी क्यों नहीं भेजा गया? डेढ़ घंटे से डेड बॉडी रेलवे स्टेशन खड़ी है। तब तक लगता है कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया से एकदम थोड़ी सा हो जाएगा। अभी इसका मेडिकल टेस्ट होना है, कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। नहीं, ये चीज तो महाराज कहीं ना कहीं इसे मोर्चरी में रखवा कर भी हुआ हो जाता। अब यहाँ से स्टेशन पर ये और लोग भी तो परेशान होंगे। आप स्टेशन मास्टर से संपर्क करें इस संबंध में कुछ नहीं। सुभाष, कहाँ रहते हो आप? जी देहरादून में रहते थे सर। अच्छा, ये कौन है तुम्हारे? मेरे पिताजी हैं ये। ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप लोग? देहरादून से आए सर, हम फतेहपुर जा रहे थे गांव के लिए अपने। अच्छा, फिर? जी सर, रास्ते में चंदौसी में ऐसे ऐसे हादसा हो गया सर मेरे साथ। क्या हुआ, क्या था इन्हें? हुआ कुछ नहीं था, ठीक ठाक थे, खाना पीना भी खाए। खाना पीना खाए के बाद इनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस की कभी कभार ना उबार कर जाती थी। तो मेरे से कह रहे मुझे सांस लेने में दिक्कत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो, आराम करने के बाद आपको शांति मिल जाएगी। तो फिर ये आराम करे सर, इसके बाद बस भगवान। किसी ने टेबलेट वगैरह दी थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया। जो दिया व्यक्ति ने मुझे टेबलेट तो मैंने नहीं खिलाया सर उस टाइम। अच्छा। खिलाया नहीं, ये उनका काम हो चुका था तो मैंने टेबलेट नहीं खिलाया। कितनी उम्र होगी तकरीबन इनकी? लमसम 55-60 साल से। क्या नाम है इनका? शिवलाल। तो इनकी तबीयत सब कहाँ पे हुई? कौन? ये सर चंदौसी के बीच में ही हुई। चंदौसी पे खाना पीना खाए, खाना खाए के बाद हुआ सर। कौन है आपके? पिताजी है मेरे से।